आरएससीईआरटी के एग्जाम में आने वाले चैप्टर 14 से उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हर साल रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर खतरा नहीं है? तो ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। वायरस एक साइबर अटैक है, ट्रोजन हॉर्स भी एक साइबर अटैक है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज भी एक साइबर अटैक है, जबकि ई कॉमर्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां से हम चीजें खरीद और बेच सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है सी, ई कॉमर्स, ये एक साइबर खतरा नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, HTTPS में उल्लेखित S का क्या मतलब होता है? तो S का मतलब होता है, वो होता है सिक्योर। HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो करेक्ट आंसर है ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है? कि आप ईमेल का प्रयोग करते हो तो कौन सा एक शिष्टाचार के रूप में माना जाएगा? ओवर यूज द ऑल कैप्स, ये हमारा एक गलत बात है। मोर यूज ऑफ हाई प्रायोरिटी, कि उच्च प्राथमिकता वाली चीज़ों को ज़्यादा चीज़ें लिखे। हमारा तीसरा ऑप्शन है वो है रिप्लाई ऑल का अधिक उपयोग। तो हम रिप्लाई ऑल का अधिक उपयोग करना, ये एक मेलिंग शिष्टाचार का रूप नहीं होता। संक्षिप्त और उच्च विषय, कि शॉर्ट एंड हाई टॉपिक्स को यूज करें, तो ये हमारा एक करेक्ट आंसर है। कि मेलिंग शिष्टाचार में क्या होता है कि आप शॉर्ट एंड स्वीट, बड़े ही अच्छे तरीके से आप मेल को रिप्लाई कीजिए या फिर मेल को भेजिए। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से एक ISO मानक है? तो जो हमारा सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए मानक यूज हुआ था वो है ISO 27001। तो ये हमारा है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय IT अधिनियम 2000 के नियम किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए किए गए थे? तो वो किए गए थे इंटरनेट के इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी को नियंत्रित करने के लिए इसको यूज किया गया था। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के लिए प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमला करता है क्या कहलाता है? ये एक प्रकार के रेट्रोवायरस होते हैं जो एंटीवायरस प्रोग्राम पर बार बार अटैक करते रहते हैं कि वो अपनी पहचान को हाइड कर सके। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी, रेट्रोवायरस। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्यों कोई आपके कंप्यूटर में बिना अनुमति प्रवेश कर सकता है? या आप उसे पसंद नहीं है, या अपराध करने के लिए, या हमारा थर्ड ऑप्शन है असली दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रमों आदि को वितरित करने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो हमारा करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। कोई भी इंसान आपके कंप्यूटर में बिना आपकी अनुमति के प्रवेश करने के लिए जो भी रीजंस होते हैं वो उन तीनों में से कोई ना कोई एक रीजंस हो सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि आपको एक मेल प्राप्त होता है जिसमें आपसे आपके यूजर नेम एवं पासवर्ड की मांग की जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, जिसने हमें ईमेल प्रोवाइड की है उसको हम रिपोर्ट करेंगे कि ये एक फिशिंग स्पैम है जिसके माध्यम से वो हमारे यूजर नेम एंड पासवर्ड मांग रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ए, कि हम उन्हें ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग स्पैम के रूप में रिपोर्ट करेंगे। तो करेक्ट आंसर है ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक मजबूत पासवर्ड के लिए सही है? दोनों अपर केस एवं लोअर केस के अक्षरों में होने चाहिए, एक शब्द जो याद रखना आसान होता है जैसे कि पालतू जानवर का नाम। हमारा तीसरा ऑप्शन है नाम जिसमें कम से कम 8 वर्ण, अक्षरों, संख्या और वर्ण का संयोजन हो, या फिर आपका पूरा नाम। तो हमारा करेक्ट आंसर है, ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वो होते हैं जिसमें कम से कम 8 वर्ण हो और जिसमें कुछ लेटर्स हो, कुछ नंबर्स हो और कुछ कॉम्बिनेशंस हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप एक लाइक कीजिए
और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपका वहां पर रिप्लाई देंगे। सीएनसी इंफोटेक आपके हमेशा उज्जवल भविष्य की कामना करता है।